उज्जैन शहर के प्रमुख मंदिर और शिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर सोमवती अमावस पर पूजा अर्चना की। उज्जैन प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में विख्यात है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा महाकाल और माँ हर सिद्धि की पूजा करने के साथ ही सोमवती अमावस पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा में डुबकी लगाई। क्षिप्रा नदी के घाटों के अलावा बाबा महाकाल मंदिर, माँ हर सिद्धि, चिंतामन, गणेश, मंगलनाथ, गढ़ कालिका के प्रमुख मंदिरों पर भी सोमवार को भक्तों की भीड़ लगी रही। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए, ये कौन सा घाट है और आज किस प्रकार से पूजा अर्चनाएं होंगी और किस प्रकार से क्या महत्व रहता है आज नान का? आज राम घाट है, यहाँ है राम घाट है और आज सोमवती अमावस्या का महापर्व है। यहाँ पर आज श्रद्धालु अपने पूर्वजों के नाम से दान पूर्ण करने आते हैं। यहाँ पर सोमवती अमावस्या, आज महाकाल राजा की भी सवारी भी निकलेगी और ट्रेन से होगा। सोमवार के दिन जब आती है यहाँ पर सोमवती अमावस्या आती है और जो श्रद्धा से शिप्रा मैया में राम घाट पर डुबकी लगाता है उनके अनंत कोटि और उनके समस्त सप्त पीढ़ियों के पाप नष्ट होते हैं और उनको पुण्य प्राप्त होता है। ये कौन सा घाट है? ये राम घाट है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।